शाम को बच्चों को पार्क से लेकर आती हूँ वापस घर पे, तो मेरे फेस पे स्माइल इसलिए रहती है क्योंकि मेरा घर मैं उस टाइम पे ऑर्गेनाइज और बिल्कुल साफ सुथरा बना के जाती हूँ। अगर मेरा घर बिखरा हुआ ही छोड़ के मैं घर से बाहर चली जाऊंगी तो जब वापस आती हूँ तो मेरे फेस पे तो फ्रस्ट्रेशन होगी ही, साथ में ये और एक टेंशन होती है कि अब खाना भी बनाना है, घर भी साफ करना है और ऊपर से बच्चे तो आप लोगों को पता ही है बिल्कुल शैतान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आइडियाज आपके घर को हमेशा ऑर्गेनाइज रखने के लिए। ये छोटी छोटी सी टिप्स जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके डेली लाइफ को बिल्कुल आसान बना देगी, आपका जो सोचने का लेवल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है सोनिया और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो सब आपके घर से और आप लोगों से जुड़ी हैं। आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप लोग जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अगर आपको होम और किचन इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखे, कैसे सुंदर बनाए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो ये कोड बहुत ही अच्छा है, पर इसके पीछे ना रखा हुआ था एक बोरिंग सा डब्बा। एक्चुअल में ये एक ऑर्गेनाइज़र ही है, पर इसका जो मुझे पैटर्न था ना वो बहुत अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं इसे कभी यूज़ ही नहीं करती थी। तो मैंने इसे थोड़ा सा ना यहाँ पे स्क्रैच करा और उसके बाद मैंने इसे ब्लू कलर में पेंट करा। यहाँ पे थोड़े से मैंने ना स्प्लैशेस लगाए गोल्डन कलर के, और देखिए अब ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको अब आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को नया लुक दे के आप अपने घर को भी एक थोड़ा सा मेकओवर दे सकते हैं। किचन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं स्पून एंड फॉक्स रखने के लिए, स्पैचुला रखने के लिए, साथ में आप इसे अपने ड्रेसिंग एरिया के ऊपर भी रख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत ही अच्छा सा आज मुझे लगा था दिन है, तो मैंने ना बहुत सारे पुदीना जो मेरे ही किचन गार्डन के थे इन्हें कट करवाया और मैंने इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से वॉश करके ना छोड़ दिया था ताकि हवा में ये आराम से ड्राई हो जाएं। और रात के टाइम पे देखिए इतने आराम से सूख गए थे। इसके बाद मैंने इन्हें कॉटन के कपड़े में ही आराम से लपेटा, मतलब डायरेक्ट इन पे हवा नहीं लगनी चाहिए, और ये 2 दिन बाद आराम से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि अगर आप इन्हें हाथों से भी मसलेंगे ना तो आपका ये जो पुदीना का पाउडर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये तरीका बहुत ही अच्छा है, सिंपल सा है पुदीना का पाउडर बना के स्टोर करने का, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रात को जैसे ही मैं बैठ के एडिटिंग करना स्टार्ट करती थी तो अगले दिन सुबह उठ के देखती थी कि बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स बढ़ने लग गए थे मेरे फेस पे। इसको लेके मैं बहुत ज्यादा ही कंसर्न थी। तब मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैंने बात करी तो उसने मुझे सजेस्ट करी एक बहुत ही अच्छी ऐप जिसका नाम है क्योर स्किन ऐप। जैसे ही आप लोग इसे डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को वहां पे मिल जाते हैं एक्सपर्ट, तो स्किन एक्सपर्ट्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ आप लोगों की चैट होती है। वो लोग आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप लोगों को करने होते हैं। मैंने उन्हें सिर्फ अपने अंडर आई सर्कल के बारे में बताया था, पर उन्होंने मुझसे मांगी थी अपनी फोटो, मतलब फ्रंट फेस और साइड फेस की, वो भी लाइट के अंदर, मतलब बिना फिल्टर वाली और बिल्कुल लाइट के अंदर आपको अपनी फोटो सेंड करनी होती है। तो फिर वो एनालाइज करते हैं आपकी पूरी स्किन को और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बताया कि आपके फेस पे डार्क सर्कल के साथ साथ ना व्हाइट छोटे छोटे से पिंपल्स भी हैं। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्लान बताया कि मुझे आगे अब क्या चीज को फॉलो करनी है, और उन्होंने मुझे सजेस्ट करी एक क्योर स्किन की पूरी किट। तो मुझे जो किट रिसीव हुई थी वो कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में थी। तो इस किट को पूरा यूज करते हुए मुझे 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अभी मैं आप लोगों को किट के साथ ही दिखा रही हूँ। तो ये सारी की सारी जो क्रीम्स है, मुझे लगभग 4 क्रीम यहाँ पे रिसीव हुई है, ये सारी की सारी मेरी जो स्किन की प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रिकमेंड करी है और वही सब चीजें मैंने मंगाई हैं। डिफरेंस मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिला, मतलब जहां पे मैं होम रेमेडीज को यूज कर रही थी और उनका जो इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा स्लो आ रहा था, तो यहाँ पे जो इफेक्ट है ये इन्होंने 15 दिन में ही आराम से दिखाना शुरू कर दिया। तो बाहर जाने का मैं जब भी सोचती थी कि इस प्रॉब्लम को लेके मैं बाहर जाती हूँ, एक अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, स्किन एक्सपर्ट्स को दिखाती हूँ, तो वहां पे आप लोगों को पता ही है बच्चों को लेके जाना भी मुश्किल था और फिर हम लोग आलस करके ये चीजें छोड़ देते हैं। बट अगर घर पे बैठे ही अगर आपको ये सारे कन्वीनियंट तरीके से चीजें मिल जाती हैं, आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाती हैं और आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपका स्किन का आपको प्रॉब्लम था, इश्यू था आपको, वो भी आपका सॉल्व हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी चीज कोई और हो सकती है। तो ये किट को जब आप यूज कर रहे हैं उसके बाद भी जो स्किन एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं और 1 महीने बाद आपके स्किन को एनालाइज करते हैं, फोटोज मांगते हैं, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग उन्हें बता सकते हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं इन चीजों के वो भी आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हैं। किट ऑर्डर करते हैं तो आप लोग मेरा कूपन कोड TMT100 इसको
वहाँ पे यूज करके 100 रुपीज का इंस्टेंट वहाँ पे ऑफ पा सकते हैं। तो प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद आप लोगों को एक स्किन एक्सपर्ट है वो अलॉट हो जाते हैं, जो कि आप लोगों को पूरा गाइड करते हैं कि आप लोगों को कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसे आप लोग अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, कितना आप लोगों को वाटर कंज्यूम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस ऐप के थ्रू मिल जाएंगी। किचन के अंदर जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट खाली होता है कांच की बोतल का, तो मैं जो उसकी कैप है उन सबको इकट्ठा करती हूँ और एक दिन बैठ के ना उन्हें पेंट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पेंट और वार्निश करने के बाद इन सारी कैप्स के ऊपर बहुत अच्छी शाइन आ गई है और एक सिमेट्रिकल सा लुक मिल जाएगा आपके किचन को। तो कुछ चीज़ें जो हम सोचते हैं कि तो वेस्ट है, इन्हें थ्रो कर देते हैं, पर अगर आप उन्हें रीयूज़ करना चाहें तो बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं आपको। ऐसे ही जैसे ही बच्चे कुछ भी चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसके जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं उनका भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पेंट कर लीजिए, उसको एक नया लुक दे दीजिए। और जो इसकी कैप थी ना, उसको मैंने चाकू से इस तरीके से कट करा। उसके बाद हमारे घर पे होती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि पॉलीथिन, जिन्हें हम किसी को भी दिखाना नहीं चाहते हैं पर ये काम की तो होती हैं। तो इन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करें, जो इसका आगे का लूप है उसको हमें ऐसे डालना है जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से हम इसके पीछे सारी की सारी जितनी भी पॉलीथिन्स है उन्हें लगा देंगे। तो मेरे पास इतनी ज़्यादा घर पे पॉलीथिन्स मैं नहीं रखती हूँ, 4-5 ही रखती हूँ, उन्हीं को आपको रख के यहाँ दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और जो पहली पॉलीथिन है ना उसको आपको यहाँ पे जो आपका कैप था उसके अंदर से बाहर निकाल लीजिएगा। अब जैसे ही आप कोई भी पॉलीथिन निकालेंगे पीछे का हिस्सा अपने आप ही दूसरी पॉलीथिन का आ जाएगा। तो है ना कितना आसान सा तरीका पॉलीथिन ऑर्गेनाइज करने का और चीजों को रीयूज करने का। फ्रिज के जो स्टैंड होते हैं चाहे वॉशिंग मशीन के, वो बहुत बड़े बड़े साइज के आते हैं। मैंने अमेजोन पे ये देखे जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। नीचे इनके सक्शन लगा हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ट है और बहुत ज्यादा जगह भी नहीं लेंगे। तो बहुत ही आसानी से फ्रिज के जो चारों कोने थे उसके ऊपर मैंने इन्हें लगाया। बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रिप कर लिया, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था फ्रिज। पुराने ट्रेडिशनल पैटर्न की जगह अगर आप कुछ नया लेना चाहते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जो आपका टॉयलेट एरिया होता है उसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो सबसे नेगलेक्ट पार्ट होता है वो होता है आपकी जो पीछे का वाटर टैंक है, वो उसको हम अपने हाथों से न जाने दिन में कितनी बार छूते हैं। तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, जर्म, सब कुछ वहीं बिल्डअप होता है। तो उसको आप अच्छे से जरूर क्लीन कीजिए। तो ये वाला काम मैं चाहे किसी से भी करवाऊं पर मैं खुद पर्सनली अपने हाथों से इसे वीक में एक बार जरूर करती हूं, क्योंकि थ्रूम आपका हमेशा साफ होना चाहिए। बस यहां पे मैंने इसे अच्छे से साफ करा और जो आपके टॉयलेट ब्रश है उसे आप गर्म पानी से हर हफ्ते वॉश करें अच्छे से। और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी डिटॉल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर आपके पास नॉर्मल डिटॉल है वो भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका बाथरूम हमेशा नीट एंड टाइडी रहेगा और बैक्टीरिया फ्री रहेगा। जो सबसे बड़ा इशू आता है कि कैसे हम लोग ना स्विच बोर्ड को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीका टर्पेंटाइन ऑयल का, शायद इसे टर्पेंटाइन ही बोलते हैं। इससे हम ना ब्रशेस साफ करते हैं, तो ये ब्रश को क्लीन करने में तो बहुत ही मदद करता है। बट अगर आपके जो स्विच बोर्ड है ना उसके ऊपर अगर आपने इसे ट्राई करा तो आप लोगों को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपके एक स्ट्रोक में आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड आपके सारे के सारे चमक जाएंगे। बहुत ही सस्ता सा आता है, आपके घर में जरूर होना चाहिए ये। अगर आप लोगों के घर पे भी क्रीम के या फिर किसी भी चीज़ के ऐसे छोटे छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें फेंकने का अगर आप सोच रहे हैं तो एक बार बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए मज़ा बहुत आता है ऐसे क्रिएटिव काम करने में, मुझे तो बहुत आता है। और अब देखिए बच्चों के जो हमारे शॉर्पनर, रबर हैं या छोटी छोटी सी पेंसिल है, क्रेयॉन्स हैं ना, तो न जाने कितने सारे सामान होते हैं बच्चों के पास ऐसे छोटे छोटे से, जिन्हें आप इस तरीके के आराम से ऑर्गेनाइजर बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर है, बहुत ही काम का है। बच्चों के कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जिनसे वो खेलना बंद कर चुके हैं, मतलब उनसे वो बोर हो चुके हैं, पर उन्हें फेंकने भी नहीं देना चाहते हैं, उन्हें रखना भी है। तो मैं इन सारे खिलौनों को जो वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो उन्होंने कह दिया है कि बस अब हम इससे नहीं खेलेंगे, तो उन सबको मैंने यहाँ पे एक इस तरीके का मेरे पास ड्रम जैसा बॉक्स है प्लास्टिक का, ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसे हर तरीके से यूज़ करती हूँ। बहुत सारे तरीके पहले भी शेयर करे हैं, आगे भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम एक प्लांटर को लगा देंगे और एक छोटा सा मैंने मनी प्लांट इसके अंदर लगाया। और देखिए ये वाला जो आइडिया है ना ये बहुत ही अच्छा है, किसी को नहीं पता चलेगा इसके अंदर सारे वेस्ट टॉयज हैं और आप लोगों ने डेकोर का डेकोर भी कर लिया।
जो किचन होता है उसके जो पीछे का डोर होता है उसे आप लोग बेस्ट तरीके से ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आप रेंटल घर में रहते हैं या फिर अगर आपको वहाँ पे जगह को बढ़ाना है, छोटा किचन है तो वहाँ पे आप इस तरीके के ये जो ओवर द डोर हैंगर्स आते हैं आप इन्हें ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं पर काम बहुत सारे तरीक़ों से आ सकते हैं। आप इसे अपने वार्डरोब में भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अभी अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ, सब्जियों का थैला है उसे रखने के लिए, चाहे आपका एप्रन है, चाहे आपके किचन के कुछ कपड़े हैं जो रात को आपने वॉश करे हैं उन्हें सुखाना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये बेस्ट है अगर आपको अपने किचन में थोड़ी सी स्पेस निकालनी है। एसी के ऊपर कई बार ऐसी विंडो लगी होती है जहाँ से दिन के टाइम पे ना रोशनी ज़रूर आती है रूम पे, तो उसमें अगर आप चाहें ना तो पुरानी बेडशीट को जैसे मैंने लगाया है वैसे करके यहाँ लगा सकते हैं। दो बेडशीट मैंने यहाँ लगाई हुई हैं, अब रूम में बिल्कुल अंधेरा रहता है, दिन के टाइम आपका रूम बिल्कुल ठंडा रहेगा, तो ये आइडिया आप ट्राई करें, बिल्कुल नो कॉस्ट आइडिया है। पुरानी बेडशीट हम सबके घर पर कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं। छोटे छोटे से जो बच्चों के कपड़े थे ना बहुत ही ज़्यादा जो पुराने हो गए थे उनकी मैंने कुछ कतरन कट करके रख ली, तो इन्हें मैं बहुत सारे तरीक़ों से आगे यूज़ करूँगी। किचन में तो हम इसे यूज़ करते ही हैं, तो मैंने सोचा जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े थे, बहुत ही प्यारी प्यारी सी जो टी शर्ट्स होती ना बच्चों की उनके कपड़े थे, तो मैंने उन्हें एक शेप का कट कर लिया। और ये भी एक बच्चों की दवाई का बॉक्स था जिसे मैंने DIY करके बनाया हुआ है, इसके अंदर इन सारे कपड़ों को मैं रख दूंगी। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर एक सॉल्यूशन, जो भी आपका होता है ना मेकअप रिमूविंग का सॉल्यूशन जो भी आपके पास हो, या फिर गुलाब जल, ये सब डाल के भी आप इसमें रख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ इन्हें ऐसे ही ड्राई रखना। जब मुझे इसे यूज़ करना होता है तो मेकअप रिमूव करने का जो भी मेरे पास जेल है उसे मैं यूज़ करती हूँ, और आराम से लिपस्टिक, मेकअप, आप सब कुछ, काजल वगैरह इससे आराम से रिमूव कर सकते हैं। अब आपको कोई भी कॉटन या एक्स्ट्रा खर्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। That's all for today. I hope you have enjoyed watching today's video. और अगर आज का वीडियो पसंद आया था तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप लोग मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर एंड विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ड्रंक। बाय बाय।